तो दोस्तों आज हम बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक के बारे में। MTAR टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद हमको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, और आज भी हमको स्टॉक में 0.49% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 1707 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1599, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट, एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1477 और 1344 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 1772 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1854, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी, एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2057, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2200 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2400 और 2600 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।